ठीक है बाबू, टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट है बाबू 118 है। जिसमें बाबू 92 एलिमेंट है। 94 ना, 92 शायद बाबू, देखो देख लेना 92 चलिए तो रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड होगा ना बाबू। सर अब बोले थे कि लैपटॉप मतलब नहीं हो रहा है। अरे लैपटॉप का वही है जैसे बाबू मान लो आदमी बूढ़ा हो जाता है तो सांस लेके कैसे दान करता है, वैसे काम कर रहा है। देखो यार इसका कोई बोर्ड निकाल दिए, ठीक है ना। आप लोग को पढ़ाने में मेरा सिस्टम बहुत सब, मोबाइल भी धीरे धीरे बाबू डैमेज हो रहा, लैपटॉप भी डैमेज हो रहा, मैंने लाख रुपया का बिल बना हुआ। काम करता है बाती पे बाबू, कैसे कोरोना होता था तो जाता था वेंटिलेटर पे, वैसे है लैपटॉप वेंटिलेटर पे पहुंचा लेकिन सांस चल रहा। 92 एलिमेंट सर बापू नेचुरली फाउंड, बताते हैं नेचुरली फाउंड का नेक मतलब क्या हुआ बाबू। एंड बाबू रेस्ट, बाबू रेस्ट और बाबू आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल बाबू ये सब कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आर्टिफिशियल इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंथेटिक कहते हैं। लिखो समझाते हैं, पीरियोडिक टेबल में शैतान। आप लोग क्यों नहीं प्रिंट निकालते बाबू, समझ में आता आर्यन? आर्यन सर मेरे पास है। हाँ बाबू तो एकदम बच्चा से पढ़ाए, ABCD से पढ़ाए, एकदम बेसिक से केमिस्ट्री स्टार्ट किए, ठीक है ना। इससे ज्यादा बेसिक संभव नहीं हुआ। अब यही धीरे धीरे लेवल क्या होगा, राइज होता जाएगा। अब मान लो कोई स्टूडेंट सुबह में आ गया पढ़ने के लिए, अभी से आ गया, तो उसको कभी नहीं समझ में आएगा क्योंकि उसको एलिमेंट ही नहीं पता रहेगा और बाबू आइटम ही नहीं पता रहेगा, तो कैसे समझ में आएगा। तो इसीलिए कोई भी क्लास बाबू स्टार्टिंग से करो। अभिनय प्रकाश बाबू समझ में आता है बाबू? अभिनय प्रकाश इसको तो जाकर पीटेंगे, बहुत पीटेंगे, एकदम खाली गोल होते जा रहा। हाँ तो खाली गोल इतना क्यों हो रहा बाबू, एकदम एकदम चारों तरफ से एकदम फैल रहा, इधर 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 से भी बढ़ रहा है, इधर से भी बढ़ रहा है ना, इधर इधर वाला हाइट है इसका इंक्रीज हो रहा। हमारा ग्रोथ क्या बाबू, एकदम लॉन्गिट्यूडनल वर्टिकल ग्रोथ है ना, इधर फैलते हैं कभी ना इधर फैलते हैं, फिर पतला नहीं लंबा हो जाता है जो मोटा। चलो लिखो जल्दी, लिख लिए सर। ठीक है बाबू, देखो बाबू टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट है, पहले ये बाबू देखो हर एक एलिमेंट है, जैसे ऑक्सीजन हो गया सर, हाइड्रोजन हो गया सर, कार्बन हो गया, तो उसका बाबू क्या होगा, एक अपना प्रॉपर्टीज होगा, अपना प्रॉपर्टीज होगा। तो उस प्रॉपर्टीज को कैसे डिसाइड करेंगे, तो उसमें बाबू इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट होगा ना, इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट होगा उसी के आधार पर उसका प्रॉपर्टी डिसाइड करेंगे। जैसे बाबू एलिमेंट है, ठीक है, जैसे मान लो कॉपर एलिमेंट हो गया सर, तो कॉपर एलिमेंट किससे बना होगा, कॉपर के आइटम से बना होगा, कॉपर के आइटम से बना। शैतान समझो समझो समझो, केमिस्ट्री समझने का चीज है। कॉपर मान लो कॉपर एलिमेंट है बाबू, कॉपर एलिमेंट हो गया चाहे सोडियम एलिमेंट हो गया, है ना, तो कॉपर जो एलिमेंट है वो किससे बनल होगा, कॉपर के आइटम से बनल होगा ना, कॉपर वाला आइटम होगा ना। हाँ सर ठीक है बाबू, तो कॉपर का आइटम होगा बाबू, कॉपर का आइटम होगा, है ना बाबू। जैसे मान लो बाबू आप चिकन बनाओ, चिकन चिल्ली बनाओ, चिकन तंदूरी बनाओ, चिकन प्याजा बनाओ, चिकन मसाला बनाओ, चिकन कुछ बनाओ, लेकिन सब में क्या पाया जाएगा, चिकन ही पाया जाएगा ना, मुर्गा ही पाया जाएगा बाबू, बाकी रूप कैसे चेंज करो। तो उसी प्रकार बाबू मान लो अगर कॉपर है बाबू, कॉपर एलिमेंट है, कॉपर एलिमेंट है शैतान, तो कॉपर एलिमेंट में क्या रहेंगे, कॉपर के ही आइटम रहेंगे, है ना, कॉपर के ही आइटम रहेंगे, है ना बाबू। ठीक सर, अब कॉपर के आइटम रहेगा तो आइटम का शेप कैसा होता है सर, स्फेरिकल होता है सर, बीच में क्या रहता है सर, न्यूक्लियस रहता है, न्यूट्रॉन होता है बाबू, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इसके चारों ओर क्या होते हैं बाबू, ऑर्बिट होते हैं, इसके चारों ओर क्या होते हैं, ऑर्बिट होते हैं, ऑर्बिट होते हैं ना बाबू। ठीक, और इस ऑर्बिट में कौन रहता है सर, कॉपर में बाबू, कॉपर के आइटम होगा तो आइटम आइटम में क्या रहता है बाबू, आइटम का तीन, आइटम के अंदर तीन गो चीज रहता है, आइटम के अंदर बाबू तीन चीज रहता है, एगो प्रोटॉन रहता है, एगो इलेक्ट्रॉन रहता है और एगो न्यूट्रॉन रहता है, तीन प्राणी रहते हैं आइटम के अंदर बाबू, तीन प्राणी रहते हैं, तीन गो चीज फंडामेंटल, इसको फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं। प्रोटॉन रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा, न्यूट्रॉन रहेगा, तो ये जो बौधा प्रोटॉन है, बौधा जो न्यूट्रॉन है, इस बीच में जाकर बैठा रहेगा, कैसे स्टूडेंट को हम बीच बेंच पे बैठेंगे, बाकी कोई जो चंचल होगा हम जाकर फ्रंट बेंच पे बैठेंगे, बैक में जाकर बैठेंगे।
तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में बीच में रहता है, आइटम के बीच में, स्फेरिकल शेप होता है तो उसके बीच में रहता है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता था? ये बाबू ऑर्बिट में रहता है, बाहर रहता, बाहर रहता, बाहर रहता, बाहर रहता, बाहर रहता, सारा इलेक्ट्रॉन से ऑर्बिट पे रहता है ना, वो सोलर सिस्टम की तरह, सोलर सिस्टम की तरह। तो बाबू किसी भी बाबू आइटम का जो बाबू किसी भी बाबू एलिमेंट में, एलिमेंट में क्या रहेगा? आइटम, आइटम के अंदर क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। तो जो बाबू एलिमेंट है उसका प्रॉपर्टी कौन डिसाइड कर? बाबू इलेक्ट्रॉन्स डिसाइड करता है। तो वही फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बाबू डिपेंड अपॉन द बाबू अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट क्या है? मतलब सर इलेक्ट्रॉन का ही वो है सर, पांच गो इलेक्ट्रॉन है सर, हर एक आइटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे। तो किसी में मान लो 10 इलेक्ट्रॉन है, किसी में मान लो 15 इलेक्ट्रॉन है। तो एलिमेंट का प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करेगा? आइटम पे। अब आइटम के अंदर क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं। तो किस पर डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रॉन्स पे। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं जो भी एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रॉन्स पे, इलेक्ट्रॉन्स पे, इलेक्ट्रॉन्स पे। ठीक, इधर उधर क्या कर रहे हो प्रकाश से? अब अपने प्रकाश जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है हमारे पास बाबू, जो हमारे पास बाबू पीरियोडिक टेबल में जनरल बाबू टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट है बाबू 118 है। कितना एलिमेंट है सर? 18 है। टोटल पीरियोडिक टेबल आपको बोले ना वो खरीदे उसमें करना, ठीक है ना, 118 क्या बाबू एलिमेंट्स है। तो उसमें बाबू कुछ एलिमेंट बाबू नेचुरली पाया जाता है, नेचुरली पाया जाता है, जैसे बाबू एप्पल हो गया, बनाना हो गया, सब क्या नेचर में पाया जाता है, उसको अभी तक कोई बनाया नहीं। एगो सेव वैज्ञानिक अभी तक बनाई भी नहीं, क्या एप्पल कोई बनाया नहीं ना बनाया बाबू, केला को कोई बनाया नहीं बनाया। तो जो बाबू नेचर से हमको डायरेक्ट मिल रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? एथी नेचुरल कहते हैं, नेचुरली, नेचुरल ऑक्सीडेंट कहते हैं। आज जैसे ये शर्ट हो गया, तो ये प्राकृतिक ने नहीं दिया बाबू, शर्ट को बनाया, भले इसमें जो ऊन लगा बाबू, ऊन लगा है ना, तो उसको बाबू क्या किया गया? जैसे ये शर्ट बनाया तो ये बात धागे से बने बने बाबू, धागे से बने तो किससे बनता है? धागा, कपास से, कपास से बनता है ना। तो वो सब छोड़ो, ये शर्ट को बाबू आदमी ने बनाया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल कहेंगे, या इसको क्या कहेंगे? सिंथेटिक कहेंगे। मतलब क्या सर? जो मैन मेड चीज है, जो मैन के द्वारा बनाया गया उसको आर्टिफिशियल कहोगे, और जो प्रकृति के द्वारा, नेचर के द्वारा बनाया गया उसको हम लोग नेचुरल कहेंगे, नेचुरल कहेंगे, है ना बाबू। तो खाने पीने वाला सारा का सारा चीज लगभग क्या नेचुरल है? काजू, किसमें, सब नेचर बनाते हैं, नेचर बना के दिया आप उसको खाते हो, है ना। तो टोटल एलिमेंट कितना बाबू? 118, जिसमें बाबू 92 एलिमेंट्स लगभग बाबू, लगभग 92 एलिमेंट्स बाबू नेचर के द्वारा डायरेक्ट ऑब्टेंड किया गया, डायरेक्ट नेचर में पाया जाता है ना बाबू, ठीक है। और जो रेस्ट बच गया ना 118 में बाबू, ये घटा दोगे तो क्या हो जाएगा बाबू? मैन मेड है, आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल है ना। ठीक है सर, कितना समझ में आ गया? नेक्स्ट बाबू, एक तो पेज जो नहीं हो पाता, खाए जाओ, पिए जाओ। जो भी आप पी रहे हो ना बाबू, पानी पी रहे हो कि कॉफी पी रहे हो जीवितेश? सर तो पानी पी रहा हो, तो पानी आदमी ने बनाया है, तो वो नेचुरल चीज हो गया। वही जब कॉफी पियो बाबू, तो कॉफी आदमी ने बनाया है, तो कॉफी क्या हो गया? आर्टिफिशियल हो गया। फिजिक्स केमिस्ट्री रियल लाइफ चीज है, रियल लाइफ से रिलेट कीजिए, मजा लीजिए जिंदगी में, आप प्रेशर होकर कभी नहीं पढ़िए, ठीक है बाबू। तो आप पीरियोडिक टेबल में देखना 118 एलिमेंट है, तो उसमें बाबू देखना कुछ मेटल होंगे, कुछ नॉन मेटल होंगे, है ना बाबू, कुछ मेटलॉइड होंगे, बताएंगे, बताएंगे सारा चीज बताएंगे, कुछ होना छोड़ेंगे, कुछ होना छोड़ेंगे, ठीक है बाबू। तो कितने मेटल पीरियोडिक टेबल बाबू, पीरियोडिक टेबल बाबू अभी आपको बताते दिखाते कैसे दिखा पीरियोडिक टेबल, कैसे दिखा है बाबू, पीडीएफ पेज है, देखो टोटल हमारे पास कितना एलिमेंट है सर? टोटल एलिमेंट कितना है बाबू? टोटल एलिमेंट बाबू, टोटल एलिमेंट्स जो हो गया बाबू, टोटल एलिमेंट्स जो हो गया बाबू, मन से पढ़ो, 118 हो गया, है ना बाबू। इसमें बाबू मेटल होंगे, नंबर ऑफ जो मेटल होगा वो, नंबर ऑफ मेटल्स होते हैं, मेटल क्या होते हैं सर बताएंगे बाबू, बताएंगे, बताएंगे, कुछ ना छोड़ेंगे। फिर बाबू नॉन मेटल बाबू, एलिमेंट को हमने फर्दर क्लासिफाई किया है बाबू, मेटल्स, नॉन मेटल्स, सब बाबू मेटलॉइड में, तब यहाँ पे सिर्फ नंबर लिख रहे हैं, नंबर ऑफ बाबू नॉन मेटल क्या होते हैं, मेटलॉइड बाबू, मेटलॉइड, मेटलॉइड्स। तो जो नंबर ऑफ मेटल है बाबू, नंबर ऑफ जो बाबू मेटल है, मेटल है बाबू 93 मेटल है, कितना बाबू 93 मेटल है। नॉन मेटल की जो संख्या बाबू, नंबर ऑफ जो नॉन मेटल की संख्या बाबू 17 है। और मेटलॉइड बाबू कितना? 8 को मेटलॉइड है, कितना? 8 को मेटलॉइड है, 8 को मेटलॉइड है ना बाबू, 8 को मेटलॉइड है ना। ठीक बाबू, जैसे शैतान समझो, ये मेटल और नॉन मेटल और मेटलॉइड होता क्या चीज है बाबू? जैसे ये कॉपर हो गया, तो बाबू जिसमें देखो मेटल में क्या होता है, चमक होते, थोड़ा सा चमक धमक, चमकेगा बाबू, फेयर लवरी का बाबू, फेयर लवरी लगा रहेगा एकदम, सर्कल सूरत एकदम चिकना चिकना रहेगा, है ना बाबू, तो उसको क्या कहेंगे? मेटल कहेंगे, मेटल। जैसे बाबू ये ताला हो गया, तो
तत्तालम कैसे एकदम लाइट मार रहा है, एकदम फेयर लवली की एकदम क्रीम लगा है ना, तो ये क्या हो गया, मेटल हो गया है ना, मेटल्स हो गया है ना, मेटल्स हो गया, ठीक है। तो 118 पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट है, तो उसमें मेटल्स कितना है सर, 93 मेटल्स है, कितना बाबू, 93 मेटल्स है ना बाबू। नॉन मेटल क्या होते हैं बाबू, नॉन मेटल क्या होते हैं, जिसमें चमक उमक नहीं, इसको डिटेल से बताएंगे, डिफरेंस भी बताएंगे, जिसमें चमक उमक नहीं होता, जैसे बाबू ये लकड़ी हो गया, तो ये लाइट मार रहा है बाबू, लाइट मार रहा है, नहीं ना मार रहा, तो ये क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया है ना, नॉन मेटल हो गया, ठीक है, नॉन मेटल हो गया है ना, ठीक है। तो ऐसा ऐसा नॉन मेटल की संख्या कितना, 17 है। मेटोलाइट क्या होता है बाबू, मेटोलाइट क्या होता है, जिसमें मेटल और नॉन मेटल की दोनों पाया जाता है, जिसमें मेटल की भी प्रॉपर्टी पाया जाता है, जिसमें वो नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी पाया जाता है ना बाबू, है ना, ठीक है ना बाबू, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मेटोलाइट कहेंगे, माने मेटल बाबू और नॉन मेटल दोनों, है ना बाबू। कैसे बाबू, ये मिक्सचर होता है, तो मिक्सचर बाबू बहुत, एक होता है प्योर नमकीन मिक्सचर होता है, एगो मीठा नमकीन होता है, एगो प्योर मीठा वाला मिक्सचर होता है, खाए हो जिंदगी में कि नहीं खाए हो, एगो बाबू मीठा नमकीन मिला के होता, तो वही बात है। मेटोलाइट क्या होगा, मेटल और नॉन मेटल मिला के जो प्रॉपर्टी दोनों दोनों करेगा, माने खट्टा मीठा, खट्टा मीठा मतलब मेटल नॉन मेटल दोनों रहेगा मिक्स करके, तो उसको क्या कहेंगे, मेटोलाइट्स कहेंगे, उसको मेटोलाइट्स कहेंगे। तो उसकी संख्या कितना बाबू, 8 है, 8 है ना, ठीक है। देखना बाबू वहां पे लिखा हुआ रहेगा, पीरियोडिक टेबल देखते हैं बाबू, ठीक बाबू। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, 118 एलिमेंट में बाबू, 18 एलिमेंट बाबू, देखना बहुत सारे बाबू उसमें गैसियस होंगे, दिखाते हैं शैतान कहां से दिखाए पीरियोडिक टेबल, ठीक है। इसी में बाबू, इसी में आगे लिखे बाबू, नंबर ऑफ गैसियस जो एलिमेंट हो बाबू, नंबर ऑफ 118 में बाबू कैसे लिखें, इसको लिखो शैतान, इसको लिखो आप लोग, इसी के नीचे लिखते हैं शैतान, ताकि अच्छा लगे बाबू, इसी के नीचे लिखते हैं, नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट, नंबर ऑफ, ए शिवम, शिवम बाबू बोलिए ना, बहुत दिन से आवाज नहीं सुने। यस सर। हाँ बाबू, फिर कर रहे हो ना बाबू, कि छोड़ दिया फिर से काम, लगता छोड़ दिया बाबू, शिवम सही में झूठ नहीं सुबह सुबह बोलना बाबू। हाँ बाबू, वेरी गुड बाबू, हाँ सर सतीश बोलिए बाबू, एक दो से फेयर भेजवा दीजिए सर, हम नहीं कर रहे हैं। क्या फेयर बाबू, हमको सर 3 दिन से छुट्टी है, फेयर हम नहीं कर रहे हैं, भेजवा दीजिए, भेज देगा कोई, बोल देते बाबू, ग्रुप में डाल देगा, डाल दे, डाल दे, डाल देना आनंद। हाँ सर मैं डाल ही दूंगा, डाल देना ग्रुप में, बॉयज वाला ग्रुप में। तो गैसियस एलिमेंट है बाबू, जो नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट है बाबू, 11 को गैसियस एलिमेंट है, लिक्विड जो एलिमेंट है बाबू, 2 को लिक्विड एलिमेंट है, और सॉलिड है बाबू, रेस्ट ऑफ बाबू कितना, 105 को क्या बाबू, सॉलिड एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल आप सामने रखे ही नहीं हो, तो बाबू आज शाम को 7:30 से बाबू नया बैच शुरू हो रहा है, जिसका भी बाबू कांटेक्ट में है, आप लोग का लगभग ग्रुप में एडमिन बना हुआ है ये बाबू, ठीक है। तो जितने भी फ्रेंड है बाबू उसको बोलो एकदम, जो ऐसे कैसे पढ़ाएंगे एकदम बाबू, ऐसे एकदम शॉर्ट का हवा में पढ़ाएंगे, 11 जैसे बाबू मल्टीप्लिकेशन पढ़ाएंगे, तो 1 2 × 1 3 एक लाइन में कैसे करोगे, जो ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, है ना बाबू, 3 × 2 = 6 सर, है ना बाबू, आई 3 × 2 = 5 हो गया सर, आई 156 हो गया, एक लाइन में मल्टीप्लिकेशन बताएंगे शॉर्टकट तरीका के द्वारा, है ना बाबू। तो आज 7:30 से बाबू सारे स्टूडेंट ज्वाइन होना, आप लोग जो पढ़ चुके हो उसकी जरूरत नहीं है सर। हाँ बाबू शिवान जी बोलिए, एलिमेंट और ये लिक्विड एलिमेंट ये सब क्या होता है, बताते 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 बाबू बताते हैं, लिखो ना सर, और लिखाइए, छोड़ दे बाबू, इसको समझा देते हैं, समझा देते हैं सर, इसके बाद उसके बाद एटोमिसिटी रह गया, एटोमिसिटी होता तो आप लोग 5:25 में पक के आ जाओ, आते नहीं हो, 2 मिनट आज मेरा खुद लेट हो गया, कनेक्ट कर रहे थे शैतान, लेकिन भैया नहीं रहा था, क्या करें, कोशिश करते हैं बाबू कि सब सर टाइम पे हो जाने के लिए, 10 मिनट हमको सेटअप तैयार करने लगता, हम 5:15 से शुरू करते हैं, लाइट वगैरह लैपटॉप चालू ऑन करते 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 5 मिनट तो लैपटॉप ही ले लेता, चालू होते होते 3 बजे 4 बजे उठाता है बाबू, आप लोग 1 घंटा पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है सारे बाबू, किसी भी बुक से उठा आपको एक जगह इतना कंटेंट नहीं मिलेगा, ठीक है ना, मिलता ही नहीं एक जगह, किसी में एलिमेंट को डिफाइन करके छोड़ देगा, किसी में आधा बताएगा, किसी में कुछ बताएगा, 4 गो राइटर कलेक्ट करोगे तो कंप्लीट मिलेगा,
तब केमिस्ट्री शुरू हुआ तो थोड़ा दिन चलेगा है ना क्वेश्चन, लेकिन टेस्ट में मैथ से आएगा। कीमत की मैथ के छोड़ देना बाबू, हमारा पढ़ाने का थोड़ा सा दूसरा तरीका है, केमिस्ट्री पढ़ा रहे लेकिन क्वेश्चन आएगा मैथ से, क्योंकि अगर छोड़ देंगे टेस्ट में नहीं देंगे मैथ आप लोग रिवाइज नहीं करोगे तो क्या होगा, भूल जाओगे। अब बोलिए क्या सिलाएगा, केमिस्ट्री का एक आध दो गो रहेगा, केमिस्ट्री भी होबे क्या किया है, पांच गो छह गो तो पेजे हुआ, तो इसी से कुल है दे दे, बड़ी तेज बनती हो कि छह गो पेज ऐसा टोटल दे दीजिए, टोटल बना दे, आप मैथ को नहीं याद रखेंगे। तो सबका 40 में 40 आ जाएगा सर। हाँ बाबू, तो वैसे नहीं ना करना है बाबू, वैसे तो हमको नाम कमाना है बाबू, तो टोटल ए प्लस दो प्लस दो चार गो क्वेश्चन भर देंगे, पेरेंट्स सब पे खुश हो जाएंगे, ऐसा ऐसा क्वेश्चन भर देंगे पांच छह सात गो कि नहीं, ऐसा सारे स्टूडेंट इस बैच वाला बनाइए देगा। अरे मेरे बच्चे का 40 में 40 आया तो मेरे बच्चे पढ़ने में तेज है, लेकिन लेवल देखिए क्या लेवल है, बच्चा वाला एलकेजी का लेवल है, उसमें 40 क्या फायदा लाने से, क्या फायदा उसे लाने से, क्वेश्चन का एक प्रॉपर लेवल होना चाहिए है ना बाबू। वैसे हमको नहीं आता, आसान आसान क्वेश्चन दे दें आपको, पेरेंट्स को भेज दें 40 में 40 मार्क्स आ गए, पेरेंट्स भी खुश हो जाएंगे, लेकिन वो टेम्पोररी हैप्पीनेस होगा, ठीक है ना। देखो बाबू क्या बाबू, नंबर ऑफ बाबू गैसियस एलिमेंट, देखो आप पीरियोडिक टेबल बाबू तो बहुत सारे देखते बाबू क्या गैस अवस्था में पाया जाता, बहुत सारे लिक्विड अवस्था में पाया जाता, बहुत सारे सॉलिड अवस्था में पाया जाता, जैसे ये बाबू मान लो ये स्टिक है, ये क्या बाबू सॉलिड है ना, ये सॉलिड है, अब वाटर जो लेते बाबू, वाटर जो लेते क्या होता है लिक्विड स्टेट होता है, और ऑक्सीजन हम लोग ले रहे हैं अपने सांस के द्वारा, जो ऑक्सीजन नाक में जा रहा है वो क्या गैसियस स्टेट है, गैसियस में गैस में है ना बाबू, एटमोसफेयर में क्या है बहुत सारे गैस है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन हम लोग नाक में ले रहे हैं बाबू, जैसे पेड़ पौधे हो गया, तो पेड़ पौधे क्या करता है CO2 बाबू क्या करता है अब्जॉर्व करता है, CO2 को अब्जॉर्व करता है, ऑक्सीजन छोड़ता, तो CO2 ऑक्सीजन ये सब क्या बाबू गैसियस है, तो 118 एलिमेंट में पीरियोडिक टेबल के 118 एलिमेंट में बाबू जो गैसियस एलिमेंट है 11 गो मात्र गैस है ना बाबू, 11 गो गैस है, और लिक्विड स्टेट में लिक्विड नंबर ऑफ लिक्विड जो एलिमेंट है बाबू दुई गो लिक्विड एलिमेंट है, दुई गो लिक्विड एलिमेंट है, और बाबू जो सॉलिड है सॉलिड बाकी जो सारा एलिमेंट है बाबू किस अवस्था में पाया जाता है, सॉलिड अवस्था में पाया जाता है, सॉलिड अवस्था में पाया जाता है। पीरियोडिक टेबल में देखना, पीरियोडिक टेबल बाबू आप लोग देखना शैतान, इस तरह से ब्लॉक बनल होंगे पीरियोडिक टेबल, मान लो बाबू कार्बन है, कार्बन है तो यहाँ कार्बन होगा बाबू, और यहाँ पे बाबू लिखा हुआ रहेगा एस, सॉलिड रहेगा तो एस लिखा हुआ रहेगा, गैस रहेगा बाबू तो जी लिखा हुआ रहेगा, और लिक्विड रहेगा तो एल लिखा हुआ रहेगा, कॉर्नर में देखना है ना, मतलब बता देंगे पीरियोडिक टेबल को प्रोजेक्ट करके बता देंगे कि कौन सा चीज कहाँ है नहीं है, ये सब एक बार बता देंगे सबका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एस लिखा सॉलिड और बाबू जी लिखा हुआ गैस, एल फॉर लिक्विड हो रहा है ना, तो उसको कल कोशिश करते हैं बाबू पीरियोडिक टेबल को समझाने का है ना बाबू, देखते हैं बढ़िया सा पीडीएफ मिलेगा तब ना बाबू प्रोजेक्ट करके बताएंगे, ठीक है बाबू आज भर यहीं बनाने देते हैं, टाइम पे आप लोग 5:25 का मतलब 5:25 5:26 नहीं बाबू 5:27 नहीं 5:25 का मतलब 5:25 कभी कभी होता है, ठीक है बाय बाय बाबू।